नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आज मैं जियो से रिलेटेड एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो जियो की कॉलिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ते जा रही है और बहुत ही वाइड रेंज में ये लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो जैसा कि हम बताते हैं कि किसी भी कॉल करने के लिए या किसी नेटवर्क पे कॉल करने के लिए हमें इंटरकनेक्ट पॉइंट जो नेसेसरी होता है किसी भी नेटवर्क पे कॉल करने के लिए वो ज़रूरी होता है। अदर नेटवर्क्स जो हैं वो जियो को इंटरकनेक्ट पॉइंट्स दे नहीं रहे हैं या उन पे उनको ट्रैफिक नहीं दे रहे हैं जिससे वो आपकी कॉल लगने में दिक्कत हो रही है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जो सॉल्यूशन है जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं अपने जियो सिम से और कॉलिंग को अच्छे से बनाने के लिए, तो उसमें से एक सोल्यूशन है जो मैंने दिया था कि रात के समय यानी कि 12 बजे या 1:30-2 बजे के बाद से और सुबह 6:30 बजे तक का जो सोल्यूशन मैंने दिया था, आज उसे हम चेक करते हैं। हमने तो बहुत ही रिसर्च और बहुत दिन से हम ये चेक कर रहे हैं, बट लोगों के सामने ये बातें आनी चाहिए, इसके लिए हमें ये ट्यूटोरियल बनाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं अभी अब 3:04 हो रहा है और हम देखेंगे कि किसी मोबाइल पे हम 10 से 12 जगहों पे कॉल करेंगे जियो के इस सिम से और देखेंगे कहाँ पे कनेक्ट होता है कॉल और कहाँ पे नहीं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टाइम जो फ्री टाइम होता है इंटरकनेक्ट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क्स जो हैं वो जियो को इंटरकनेक्ट पॉइंट नहीं दिए हैं, उन्होंने दिए हैं, बट जो कॉलिंग प्रॉब्लम आता है उसका जो एक सलूशन है जो ये है कि रात में हम कॉल करें और कनेक्ट हो जाते हैं कॉल बिना किसी बिजी रूट या किसी उसके। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉल लग रहे हैं या नहीं। तो पहला कॉल हम लगाते हैं। जो कि 3 बजे का समय है, तो हम रिंग जाएगा। देखिए पहला कॉल लग गया है और रिंग जा रही है। तो पहला कॉल लगाया था हमने जो कि चले गए। दूसरा कॉल हम वोडाफोन के नंबर है जिस पे हम लगाने जा रहे हैं, वो नंबर सुबह अगर 7 बजे 8 बजे किया जाए तो कभी नहीं लगता है और इस नंबर पे मैंने बहुत बार ट्राई किया है। सुबह 8 बजे से लेकर अगर शाम को 6, 7, 8, 9 बजे तक अगर कॉल किया जाए इस नंबर पे तो लगता ही नहीं है, कितना भी ट्राई किया लगता नहीं है, 20 बार 30 बार। तो हम इस पे देखेंगे कि क्या होता है अभी ये टाइम पे रात के समय। रात के समय देखेंगे क्या होता। जैसे कि हमने कॉल किया था पहले नंबर पे, उसका कॉल आ गया वापस 3 बजे, तो हम देखेंगे दूसरे नंबर पे कॉल करके। ये रहा दूसरा नंबर। यहाँ पे भी इस नंबर पे भी जो है कॉल चली गई है, सामने से कॉल ना आ जाए रात के 3 बजे का। तीसरा नंबर हम ट्राई करेंगे। जी तीसरे नंबर पे भी घंटी चली गई है और कॉल लग गई है। अब चौथा नंबर हम ट्राई करेंगे। इस वीडियो को हम जितना छोटा से छोटा बना सके उतना। चौथा नंबर जो लग गया है और उस पे घंटी चली गई है। ये पांचवा नंबर हम ट्राई करते हैं। ये नंबर है जिस पे कॉल जल्दी लगती नहीं है, तो उस नंबर पे भी हम कॉल्स ट्राई कर रहे हैं। पांचवा नंबर भी जिस पे कॉल चली गई है।
और हम दो तीन नंबरों को और ट्राई कर लेते हैं। जिस पे कि कॉल लगती नहीं है। हाँ तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हम 10 या 12 नंबरों पर कॉल कर रहे हैं और हर जगह कॉल कनेक्ट हो रही है और कॉल वापस भी आ रही है। आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल आई थी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो 3 से जो ट्रैफिक का टाइमिंग है, अगर आप ट्रैफिक नहीं हो अगर कॉल करेंगे तो आप हर जगह लगेगा। तो मैंने 8 से 10 जगह कॉल किया इस समय पे और वहाँ से 2 जगह से इनकमिंग कॉल आई मुझे। 3 बजे के टाइम है, लोग डिस्टर्ब होते होंगे सोने से, तो उनको तकलीफ दें और तकलीफ मैं दे नहीं सकता। तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल कैसा था? आप अपना जो राय है हमें दे सकते हैं लाइक के थ्रू, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हम आगे आपके लिए बहुत सारे अपडेट जियो से रिलेटेड और अन्य टेक्निकल के रिलेटेड लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।